हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मावा गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम चाशनी में डिबाकर बनाएंगे। आपने प्लेन गुजिया तो बहुत खाया होगा, पर इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये रस भरी होली स्पेशल गुजिया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बाजार की गुजिया से कई गुना हेल्दी और टेस्टी गुजिया है। तो अगर आज की मेरी ये गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है, हमने यहाँ पे 4 कटोरी मैदा लिया है, यानी कि वजन में हमारा 400 ग्राम मैदा है। 100 ग्राम हमने मावा लिया है। 1 कटोरी हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा लिया है। 1 कटोरी रवा, 1 कटोरी देसी घी, 200 ग्राम शक्कर, 25 बादाम को हमने बारीक बारीक काट लिया है, 25 से 30 काजू को हमने तोड़ लिया है, थोड़ा सा हमने किशमिश लिया है, 1 चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे, 500 ग्राम हमने शक्कर अलग से लिया है जिसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। फ्राई के लिए हम रिफाइंड तेल लेंगे। तो सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। डो लगाने के लिए हमने एक बड़ा बाउल लिया है और उसमें हम मैदा डालेंगे। तो मैदा को हमने 2 बार छान लिया है। ये भी ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि मैदा में कुछ भी निकल सकता है। तो हमने मैदे को छान के ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बीच में ऐसे गड्ढा बनाते हुए देसी घी डालेंगे। तो हम जितना मैदा लेंगे उसका 1/4 हम मोयन डालेंगे। इससे क्या होता है, अपना जो रेसिपी होता है बड़ा ही टेस्टी तैयार होता है। और हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो करीबन हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे स्टेप बहुत ही जरूरी होते हैं गुजिया बनाने के लिए। मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मोयन का एक तरीका है कि हम जितना मैदा लें उसके 1/4 मोयन डालें, और दूसरा तरीका है कि अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैदे को ऐसे मुट्ठी से बांधेंगे। अगर अच्छे से एक मुट्ठी में पिंड तैयार होता है तो आप समझिए कि अपना मोयन परफेक्ट है डो बनाने के लिए। तो आप ऐसे भी इसे परख सकते हैं। तो हमने मैदे को झाड़ के मोयन मिक्स कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और ऐसे पानी को फैलाते हुए हम मैदा को गूंदेंगे, क्योंकि हमें मैदा एकदम सख्त तैयार करना है, पूरी के आटे के जैसा। तो हम एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो अपनी गुजिया जो है वो क्रिस्पी नहीं होगी। हमें सख्त ही डो तैयार करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पानी डालेंगे एक एक चुल्लू, और इसे मसल मसल के डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें सारे स्टेप पे अच्छे से ध्यान देना है। तो आप ध्यान से देखिए, अपने मैदा जो है वो एकदम बराबर बैंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, हथेली की ऐसे मुट्ठी बनानी है और ऐसे प्रेस कर करके मैदे को इकट्ठा करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हमने ऐसे मसल मसल के मैदे का एक बड़ा ही सख्त डो तैयार कर लिया है, यानी कि हम अंगुली को ऐसे दबा रहे हैं तो ऐसे ये दब रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉटन कपड़ा से इसे ढक के और 20 से 25 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैदा अपना अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक अपना डो फूल रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हम गैस पे एक कढ़ाई लिए हैं और गैस को ऑन कर लेंगे, और सबसे पहले हम इसमें रवा को डाल देंगे।
रवा को हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे। तो हम रवा को चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। रवा भूनने टाइम हम कलछी को रोकेंगे नहीं, नहीं तो थोड़ा सा भी रवा लग गया पेंदी में तो गुजिया का टेस्ट खराब हो सकता है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं करना है, तभी रवा अंदर तक अच्छे से भून पाएगा। रवा को हमने 6 मिनट तक भूना है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम जो मोइन में से घी बचाए थे उसमें 2 चम्मच डाल देंगे और हम रवा को अच्छे से और एक बार भून लेंगे। अब हमें आधा मिनट ही भूनना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक चलाते रहेंगे, क्योंकि अपनी कढ़ाई जो है वो गर्म है तो रवा जल सकती है। अब हम क्या करेंगे, एक पकड़ की मदद से इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम ऐसे पकड़ की मदद से इसे प्लेट में निकाल ले रहे हैं और इसी कढ़ाई में हम नारियल का बुरादा सेक लेंगे, क्योंकि सेका हुआ नारियल का बुरादा गुजिया में बहुत ही सुंदर लगता है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसे आधा मिनट के लिए हम चलाएंगे। साथ में हम काजू भी सेक लेंगे, बादाम, किशमिश, इलायची पाउडर। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि चिरौंजी, खसखस, जो आपका मन करे वो इसमें डालें, बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। हमने तो इसमें काजू, बादाम, नारियल, पिस्ता, इलायची यही सब डाल के बना रहे हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कढ़ाई में इसे सेकते रहेंगे। इतना ही हमें सेकना है, हमें ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा नहीं सेकना है। नारियल ड्राई फ्रूट्स अपना सिक चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे भी रवा में निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, रवा को ठंडा होने देना है, तब हम शक्कर और मावा मिक्स करेंगे, नहीं तो मावा और शक्कर पिघल जाता है तो फिर स्टफिंग अच्छी नहीं होती है। तो ये भी एक स्टेप जरूरी है, इसे ठंडा कर लेना है। जब तक अपनी रवा और ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस पे एक बॉल रखेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पे 1/2 किलो शक्कर डालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए अपनी कितनी साफ चीनी है। तो हम इसमें बॉल में हमने 1/2 किलो शक्कर डाला है, तो इसका माप क्या होता है, 1/2 किलो आपने शक्कर लिया है तो इसमें 250 ग्राम पानी डाला जाता है। तो हमारे अंदाज से 1 ग्लास में 250 पानी आता है, तो यहाँ पे हम 250 पानी डाल रहे हैं और अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर ले रहे हैं और इसे हम चलाते हुए शक्कर को घुलाएंगे। अभी हम गैस का फ्लेम तेज ही रखे हैं, जब तक शक्कर घुलेगी उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए अपनी शक्कर जो है वो अच्छे से घुल चुकी है। तो हम दिखा रहे हैं आपको अपनी चीनी जो है वो साफ है, तो हमें चाशनी को साफ करने की जरूरत नहीं है। शक्कर अगर गंदी हो तो हम यहाँ पे 1 चम्मच दूध डालेंगे। दूध क्या करता है, फटने के बाद शक्कर की मैली को लेके किनारा कर देता है, फिर हम उसे चम्मच से छान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी चाशनी जो है वो साफ है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से क्या होता है, चाशनी तैयार होने के बाद अपनी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है,
तो इसके लिए हम आधा नींबू का थोड़ा सा रस डालेंगे। अब हम इसे 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे पकाएंगे। हमें कोई ताड़ वाली चाशनी नहीं तैयार करनी है, जैसे शहद में चिपचिपाहट होती है वैसे ही हमें चाशनी तैयार होती है। तो हम 3 मिनट उबालने के बाद एक बार चेक करके आपको बताएंगे। हमने चलाते हुए चाशनी को तैयार कर लिया है, अब हम आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। तो हम चम्मच से चाशनी को ऐसे निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम चाशनी से हमारी हाथ जो है वो जल सकती है। तो हम एक अंगुली से इसे ऐसे बोड़ेंगे और दोनों अंगुलियों को ऐसे चिपकाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई तार नहीं बन रही है, हनी के जैसे अंगुली चिपक रही है। तो अपनी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, यहाँ पे आप केसर भी डाल सकते हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो अपनी रवा और ड्राई फ्रूट्स ठंडी हो चुकी है, हम हाथ से छू रहे हैं, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें मावा को डालेंगे, तो ऐसे हम मावा को डाल देंगे और साथ में हम शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो शक्कर की मात्रा बढ़ा घटा सकते हैं। अब हम हाथों से ऐसे इसे मिक्स करेंगे, यानी कि रवा, ड्राई फ्रूट्स, मावा, शक्कर सबका हम अच्छे से मिक्स करके फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसे हमें हाथ से ही करना है, ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो ऐसे हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये फिलिंग इतनी टेस्टी तैयार होती है कि बच्चे तो 2-4 चम्मच ऐसे ही टेस्ट कर जाते हैं। तो ये अपनी फिलिंग तैयार हो गई। ध्यान से देखिए कितनी अच्छी फिलिंग तैयार हुई है, इसकी खुशबू तो घर में फैल चुकी है। तो हमने डो भी तैयार कर लिया, फिलिंग भी तैयार कर ली, चाशनी भी बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप तैयार करेंगे। अब हम डो को चेक करेंगे, तो डो अपना अच्छी तरह फूल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक छोटा सा लोई निकालना है और बाकी के डो को हम ढक के फिर से रख देंगे, क्योंकि ऊपर की परत सूखनी नहीं चाहिए। अब हम इस डो को ऐसे हाथ से मसलते हुए एक रोल तैयार करेंगे और इसके छोटे छोटे लोई काट लेंगे, यानी कि एक बड़ी पूरी की साइज की हम लोई काटेंगे और ऐसे हथेलियों से मसलते हुए हम लोई तैयार कर लेंगे। अगर गुजिया बनाने में 2 जने हो तो गुजिया बहुत ही जल्दी और ढेर सारा बन सकता है, पर अकेले हो तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लोई को हमने तैयार कर लिया। अब हम बाकी के लोई एक प्लेट में रख लेंगे और एक रोटी बनाने वाला जो चकला होता है उसको लेंगे, उस पे हम एक लोई को ऐसे दबाएं और बेलन की मदद से हम इसकी पूरी तैयार करेंगे। तो हमें बीच से पूरी को पतली नहीं करनी है, नहीं तो गुजिया फट सकता है। तो इसे हम एक बराबर चारों तरफ से पूरी तैयार करेंगे और ऐसे ही हम बाकी के भी लोई के पूरी तैयार कर लेंगे। चाशनी वाली गुजिया की पूरी थोड़ी सी मोटी ही तैयार की जाती है, क्योंकि ज्यादा पतली होने पे चाशनी में डालने पे चाशनी अंदर तक चला जाता है। तो ऐसे ही हम पूरी को बेल बेल के तैयार कर लेंगे। तो हमने जितना डो निकाला था उससे हमने 5 पूरी तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, एक गुजिया का फ्रेम लेंगे और एक पूरी को इस पे ऐसे रख देंगे। पूरी को हमें ऐसे दबा के नहीं रखना है, ऊपर ऊपर ही रखना है। अब हम फिलिंग लेंगे और पूरी के बीच में हम 2 चम्मच फिलिंग डालेंगे।
और अंगुलियों से हम इसे बीच में कर लेंगे, किनारे तक फिलिंग नहीं जाना चाहिए। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, ये सादा पानी है, और अंगुलियों की मदद से किनारे किनारे ऐसे लगा देंगे। इससे अपनी पूरी जो है अच्छे से ज्वाइंट हो जाती है और तेल में डालने के बाद फूटती नहीं है। अब हम इसे प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा ये पूरी का साइड है उसको हम ऐसे अंगूठे से धीरे धीरे इकट्ठा करके हटा देंगे। ये आटा वेस्ट नहीं होगा, इसकी हम अगली पूरी में मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, बढ़िया अपनी गुजिया तैयार हुई है। फ्रेम में जो अपना फूल था वो भी उभर के आया है। तो हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और ऐसे ही बाकी की गुजिया भी हम तैयार कर लेंगे। हम दूसरी गुजिया भी आपको भर के दिखाएंगे। फ्रेम पे हम दूसरी पूरी रखेंगे और ऐसे हम इसे टेढ़ा कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। अंगुलियों से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम पानी किनारे किनारे ऐसे लगा देंगे और इसको हम अच्छे से ऐसे दबाते हुए प्रेस कर लेंगे। तो हम ऐसे प्रेस कर देंगे और आटा को हम ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। अब हम आपको हाथ से गुजिया कैसे बनाते हैं वो तरीका बताने वाले हैं। तो अब हम इसे भी प्लेट में रख देंगे। हाथ से बनाने के लिए हम हाथ में ऐसे पूरी को लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। किनारे किनारे हम पानी लगा देंगे और हम इस पॉइंट को अच्छे से ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे हम अच्छे से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम और फिलिंग लेंगे और इसे अंगुलियों से अंदर तक दबा देंगे। जितना फिलिंग आ सके हम उसी अंदाज से डालेंगे और इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने पहला स्टेप तैयार किया कि दोनों मुंह को बंद कर लिया। अब हम इस अंगूठे और अंगुली की मदद से इस पॉइंट को पकड़ेंगे और सबसे पहले हम प्रेस करके इसको ऐसे दबा देंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रेस करेंगे और ऐसे दबा देंगे। तो ये हम हाथ से ऐसे गुजिया को तैयार कर रहे हैं। पहले अम्मा लोग बोलती हैं कि मशीन नहीं होता था, हम लोग हाथ से ही गुजिया बनाते थे। तो हमने अम्मा से सीखा है इस तरह का गुजिया बनाना। ये भी बड़ा ही प्यारा तैयार होता है। तो आपको जैसी सुविधा हो वैसे बनाइए। लास्ट में हम इस पॉइंट को अंदर की तरफ लेके और ऐसे प्रेस कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बड़ी गुजिया तैयार हुई है। हमने गुजिया भर के तैयार कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। अब हम तेल को चेक करेंगे। तो हम छोटा सा आटा का लोई लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो ध्यान से देखिए उसमें कैसे बबल्स आ रहे हैं, यानी कि अपना तेल गुजिया फ्राई के लिए तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और एक एक गुजिया को हम उसमें छोड़ेंगे। तो हम एक बार फिर से इसके मुंह को ऐसे दबा लेंगे। इससे क्या होगा, तेल में जाने के बाद अपनी गुजिया जो है वो उसकी मुंह फैलेगी नहीं और धीरे धीरे हम गुजिया को तेल में छोड़ देंगे। तो हम ऐसे उसके पॉइंट को हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। एक बार में जितनी गुजिया आ सके उतना हम डालेंगे। तो हमने 4 गुजिया एक बार में डाला है। अब हम एक साइड से इसे 2 से 2.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की परत फ्राई हो जाएगी और अंदर वाली हिस्सा जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो हम गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब हम एक बार गुजिया को उलट लेंगे। तो हम हल्के हाथों से इसे ऐसे उलट लेंगे।
और इधर से भी हम 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर से बता दे रही हूँ, गैस का फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे तेल में सिकने पे गुजिया बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है। हमने गुजिया को उलट उलट के 8 से 10 मिनट में सेका है, तो इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस गुजिया को ऐसे झरने से टेढ़ा करते हुए उठाएंगे और एक्स्ट्रा तेल को हम गिरने देंगे। अब हम गरम गरम गुजिये को चाशनी में डाल देंगे। तो ऐसे हम गुजिया को टेढ़ा करते हुए निकालेंगे और चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में हम इसे 5 से 7 मिनट तक डुबा के छोड़ेंगे। जब चाशनी ये अच्छे से चूस लेगा तो फिर हम इसे निकालेंगे। तो हम गुजिया को साइड में रख देंगे और इसमें हम दूसरी बैच फ्राई करेंगे। तो हम एक एक गुजिये को इसमें डालते जाएंगे। किनारे को हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे, इससे क्या है गुजिया फूटने का डर नहीं होता है। नहीं तो एक गुजिया का मुंह खुला तो अपना सारा तेल जो है वो गंदा हो जाता है। तो हम हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे और छोड़ देंगे। और ऐसे ही हम दूसरे बैच भी फ्राई करेंगे। दो मिनट हो चुका है, अब हम गुजिया को धीरे धीरे उलट लेंगे। कितनी बढ़िया अपनी गुजिया फूल के तैर रही है। तो हम इसे भी 10 से 12 मिनट में एकदम सुनहरा होने तक सेकेंगे। टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। गुजिया ने अच्छे से रस को चूस लिया है, अब हम झरनी की मदद से इसे निकालेंगे। तो हम ऐसे टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा जो रस है उसे गिरा देंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। तो हमने रस से गुजिया को निकाल लिया है। अब हम फिर कढ़ाई की तरफ चलेंगे। ये भी गुजिया अपना अच्छे कलर में फ्राई हो चुका है। अब ऐसे ही हम बाकी के बैच भी फ्राई करके रस में डुबाते जाएंगे। होली स्पेशल मावा गुजिया चाशनी वाला बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। गुजिया के डो को हम सख्त गूंदेंगे और इसकी पूरी जो है थोड़ा सा मोटी तैयार करेंगे, क्योंकि हमें इसे रस में डुबाना है। इसे हम ठंडा करके 5 से 6 दिन तक ऐसे खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर हम इसे 15 दिन तक खा सकते हैं। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रस भरी गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।